एम ब्लॉक वाले मिस्टर जोहरी को दे दें। मिस्टर हिंगू, मिस्टर हिंगू उठिए। क्या सोच रहे? हाँ। ओ मिस्टर खुराना। हेलो मिस्टर खुराना, इसे कान में डालना। हाँ। मुझसे कुछ कहा? हम अपनी सोसाइटी की मीटिंग में हैं और हमें ये फैसला लेना है कि वार्षिक शिरोमणि सम्मान किसका किया जाए। हाँ, 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 तो फिर मिस्टर जोहरी को दे दे। वो तो सीढ़ियों से गिर के मर गया। तो मिस्टर पुरी? वो सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते ऊपर चला गया। लोग सीढ़ियां क्यों बनाते हैं यार? तो फिर ये आनंद, मेहता या पोबली? हार्ट अटैक, कार एक्सीडेंट, कोमा। जिस बात का डर था ना, वही हुआ। बस इस सोसाइटी का एक ही मेंबर बचा है जिसको सम्मान मिलना बाकी है। कौन? जसबीर वालिया। अरे इस कमबख्त ने तो 4 साल पहले मेरी गाड़ी ठोक दी थी, आज तक पैसे नहीं भरे हैं। इसी की दिवाली के पटाखे की वजह से तो मेरे कान में ये मशीन लगी है। बहुत टमाटर और अंडे पड़ने वाले हैं, लेकिन क्या करें, इसी कमबख्त जसबीर वालिया को सम्मान देना होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आफत आ गई मम्मी जी, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? अरे मोनू ये देख, तेरे पापा का नया कारनामा। क्या किया उन्होंने? उन्हें कोई अवार्ड मिला है, वो बुड्ढों का क्लब है ना उनका। जय जवान फ्रेंड सोसाइटी में पापा जी को शिरोमणि सम्मान मिला। हाँ भाई भाई, क्लब वाले पापा जी को अवार्ड दे रहे हैं। सटिया गए हैं क्या? 63 बुड्ढे हैं सारे। कहते हैं कि पापा जी के बारे में ना 2 शब्द बोलने पड़ेंगे। बीमारी का बहाना मेरा, और अगर तू नहीं जाना चाहता ना तो अपनी वजह सोच लेना। मुझे जाना है। तुझे पता है शिरोमणि सम्मान मिलने वालों के बेटों को कितना रिस्पेक्ट मिलता है? सोनू सही कह रहा है। अरे परिवार वालों का होना जरूरी है। मोनू तू स्पीच दे। मैं क्यों? मेरी तो सिर्फ हेलो है पापा जी के साथ। देख तेरा भाई ना दिल का साफ है, लेकिन बकरी जैसा भोला है। वो सब नहीं कर पाएगा। बकरी वो है तू, हलाल मुझे क्यों कर रहे हो? शर्म कर मोनू, पापा जी के लिए इतना भी नहीं कर सकता तू। मैंने तो पापा जी के लिए कविता भी लिख डाली है। हाथी जैसी चाल, भालू जैसे बाल, मेरे पापा द ग्रेट देखो करे बवाल। आगे सोच रहा हूं। भाई तूने बहुत सोच लिया, अब थोड़ा ना रेस्ट कर ले। अगर इतना ही है तो हम दोनों मिलकर भी कुछ कर सकते हैं। डॉली इनको बताया कि इनके फादर कितने द ग्रेट, द टिप टॉप ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी है। उसी सदमे से तो हम उभरने की कोशिश कर रहे हैं। मोनू महान लोगों की संगत का कुछ फायदा उठाया। ये जो हीरे मोती मेरे मुंह से गिरते रहते हैं ना हर रोज, इनको उठा के संभाल के रख। अबे आज सुबह सुबह बाथरूम में बैठे बैठे गरम गरम मुहावरा आया। पहले आई मुर्गी के पहले आया अंडा। वाह। पहले आई मुर्गी के पहले आया अंडा, आमलेट मिल जाए की फर्क है पैंदा। क्या बात है, पिसल ऑफी है, पिसल ऑफी है। उन्होंने कुछ खाएगा? अंडे के अलावा कुछ भी। क्या बात है, आज भी कुछ नहीं बदला जय जवान फ्रेंड सोसाइटी में। जैसे कब्रिस्तान में कुछ नहीं बदलता। मुर्दा जाग गया। हेलो अंकल, हम जसबीर वाले के बेटे हैं। तुम दोनों को मेंबरशिप नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। हम तो सालाना सम्मान की प्रिपरेशन करने आए हैं। अच्छा तो कोई स्पीच दोगे तुम? वो तो ओल्ड फैशन है ना, तो हमने सोचा कि हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे मेंबर्स पापा जी पे कुछ कहेंगे।
यानी कि सोसाइटी के सारे मेंबर्स वालिया के बारे में कुछ कहेंगे? अच्छा, बहुत अच्छा। यानी कि तुम अपनी कब्र खोदना चाहते हो। वेलकम वेलकम, गो गो गो। सारे मेंबर्स कुछ कहेंगे। तू गन से नहीं, कैमरे से शूटिंग कर रहा है। ये मेरा स्टाइल है। रानी तो मेरी हो गई। चौधरी के बच्चे, चलो 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 भाई जमा होता है। तेरे घर में बाप भाई नहीं है क्या? ए चौधरी, शर्ट तो तू पहले से ही हार चुका है। चल चलो पांच नहीं खेलता तेरे साथ। मैं भागता कहाँ है? आपसे एक सवाल पूछना है। जी, सवाल मुझसे? हट जाओ। मेरा मतलब है एक्शन। नहीं सर, सर सर आपका नाम क्या है? जी नाम चौधरी। चौधरी जी, आपको जसबीर वालिया में सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती है? जसबीर वालिया? हाँ। अरे मुझे तो उससे सख्त नफरत है, सख्त। जब भी वो कलम में आता है ना, तू पीछे से एक दो बार छोड़ देता है। और पूरे क्लब में वही इमली की चटनी की बदबू। छी, कट, पकड़े मोनू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, थैंक यू। अजीब आदमी है, इमली की चटनी पसंद नहीं है इसे। एक्सक्यूज मी सर, जसबीर वालिया के बारे में हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं। हाँ ओ, मेरा मतलब एक्शन। सर उन्हें सालाना सम्मान मिल रहा है। पिछली बार जब हमारे क्लब में समोसे मंगाए थे ना, तो हर एक समोसे का कोना कुतर कुतर कर खा गया था, ताकि कोई दूसरा उसका जूठा समोसा ना खाए। और वो सॉस की कटोरी पूरी तरह चाट गया था। आप दोनों जानते हैं उसे? नहीं नहीं, नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं। यहाँ तो लोग पापा जी को कुछ ज्यादा ही करीब से जानते हैं। मनु वो देख, निपी अंकल और मंजीत अंकल पापा जी के बेस्ट फ्रेंड्स। लल्लू लाल एंड घटोत्कच। पापा जी को अवार्ड मिल रहा है, इसलिए हम उनके लिए एक वीडियो बना रहे हैं। है? आप लोग कुछ कहिए। एक्शन एक्शन। ओए जसबीरे कमीने हरामखोर, पिछले हफ्ते दिखा था एम ब्लॉक मार्केट के अंदर गोलगप्पे खा रहा था, मुझे देखते ही छुप गया था। साले 5,000 रुपए उधार लिए तूने मुझसे, कब वापस करेगा? और जसबीर वालिया बदमाश है, मैं एक महीना गांव का चला गया, तूने मेरा मकान किराए में लेना दिया है, गद्दार। छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे छोड़ूंगा नहीं क्या, इस पे तो पुलिस का मुकदमा बनता है। चल यार, पुलिस में आज कंप्लेन कर ही देते हैं। चल चल चल। और हाँ, तुम्हारी माँ है ना, उसे नमस्ते कहना मेरी है। इस वीडियो में तो कुछ ज्यादा ही एक्शन था मुन्नू। मेरे पास एक आइडिया। अंगल अंगल, तू रोल करते जा, रोल करते जा। आपको लड्डू कैसे लगता है? लड्डू रोल कर। दुनिया में बेस्ट है जी, एवन। जसबीर वालिया, यू मानिए कि मुझे तो प्यार है उससे। जसबीर वालिया बचपन में पसंद है जी, आज भी है। मेरी वाइफ भी उन पर पागल है। मीठे मीठे, मुलायम मुलायम, बोल बोल, प्यारे प्यारे। जसबीर वालिया, छोड़ूंगा नहीं तुझे। पापा जी सुनिए तो, ये सब तुम दोनों की गलती है। किसने कहा था वो वीडियो बनाने के लिए? आपको पसंद नहीं आया? बिल्कुल बकवास, बेहुदा। तभी तो मेरे सारे फ्रेंड उठ के चले गए।
अरे वो लोग तो आप पे, मुझ पे क्या है? क्या मुझ पे? और ये वीडियो भी ना इतना तेज था कि मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। नहीं पापा, वो स्टाइल था हमारा। अबे सुभाष गई की औलाद, स्टाइल था हमारा। और ये पुराना अपने इंटरव्यू में क्या कह रहा था, मैं मंदिर में फ्री में पढ़ता हूँ। अबे ये किस बात का इंटरव्यू हुआ भाई? कहा तो काट दे। अरे ऐसे कैसे काट देता, कितनी फीलिंग के साथ कहा था उन्होंने। ये क्या? तुम लोग डॉली चल चल तू यहाँ से बस। चल, तुमने तो समोसा भी नहीं चखा है। अरे मुझे नहीं चखना समोसा। तो नहीं चखना समोसा? नहीं चखना, कहीं बुखार तो नहीं चढ़ गया? कहा था कविता सुना देता हूँ। हमारे बच्चों ने कुछ गलत नहीं किया। उल्लू के पट्टे हैं दोनों के दोनों। अरे इतनी मेहनत से वीडियो बनाया था और तुमों की। पिछले साल जब ढींगरा को अवार्ड मिला था ना, तो उसके बच्चों ने आधे घंटे का भाषण दिया था। सब कुछ था उस भाषण के अंदर, दिल को छूने वाली बचपन की यादें, चुटकले, डायलॉग्स, एंड में रुला देने वाली कहानी। और मेरे बच्चों ने मुझे क्या दिया? घोड़े का अंडा। तुम्हें वीडियो अच्छा नहीं लगा, उसमें उनकी क्या गलती है? क्या मतलब, और किसकी गलती है? किसी ने नहीं बताना किसकी गलती है। तुम्हारे दोस्तों की गलती है। तुम्हारे वहां के सारे दोस्तों में से ना किसी एक ने भी तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा नहीं बोला। वो दोनों बेचारे क्या करते मुझे पता है? यही बात ना तुम्हें कीड़े की तरह काट रही है। जय जवान क्लब में ना मेरे को जाना ही नहीं कभी। मत जाओ, वैसे भी ना वहाँ कुछ नहीं होता, वो सारे बूढ़े नंगे कच्छे पहन के घूमते रहते हैं, हंसते रहते हैं, तुम्हारी उनके साथ नहीं जमने वाली। ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि इसी बहाने थोड़ी देर के लिए तुम घर से बाहर निकलते थे तो मुझे शांति मिलती। सोनी चलो उठो। सुन क्या तू क्या कहती? हाँ नहीं, तेरा इंटरव्यू लेते तो क्या कहती तू? मुझे तो कभी कोई पूछता ही नहीं। ओके मैं कहती कि 40 साल हो गए मुझे इनके साथ, हमारे दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, पोता पोती है, सुखी परिवार है हमारा। बस इतना सही? अरे पूरा तो करने दो। मुझे कभी किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। झगड़ा चाहे कितना भी करे पर मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। इनसे शादी करके पता नहीं भगवान ने किस जन्म की सजा दी है, पर अब सजा में ही मजा है। अच्छा डायलॉग बोल रही है तू। सजा में ही मजा है। अच्छा सुनो, अब मैं कुछ पूछूं? नींद आ रही है मेरे को। बात तो पूरी करो। अबे ब्रेकफास्ट की टेबल पे कर लेंगे ना। अच्छा अब खुद का मतलब निकल गया तो निकल गए। हाँ हमेशा की तरह। चाहती क्या है? बात करना चाहती हूँ। इसी का तो डर है मुझे। मुझे पता है तुम मुझसे क्या पूछना चाहती है। अब मेरे बारे में इंटरव्यू देना होता तो तुम क्या कहते? क्या बकवास है डॉली ये सब? अच्छा मुझसे जब पूछा तो बकवास नहीं था? हाँ तब भी बकवास था।
क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों से? मैंने कितनी प्यारी प्यारी बातें कही तुम्हारे बारे में, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है, हाँ बोलो। अब ये सच धज क्यों रही है? ऐसा भी कुछ नहीं कहने वाला मैं। तुम रोज रोज तो मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलते नहीं ना। रोज रोज तो मुझे जबरदस्ती भी तो बुलवाती नहीं ना। अच्छा बोलो। डॉली, मैं जब भी तेरा चेहरा देखता हूं मुझे कचौड़ी की याद आती है। नहीं कहना था। अरे क्या हुआ, नाराज क्यों हो रही है? अच्छा, तेरे दही बल्ले मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए ना कोई तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं बोलता, क्योंकि किसी और के बारे में अच्छा सोचने में भी तुम्हारी जान जलती है। प्यार पाने के लिए प्यार देना पड़ता है। सांप की तरह डसते फिरोगे ना तो कोई दूध नहीं पिलाएगा। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो आज तक हम सारे तुम्हारे साथ है और तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन अब नहीं, बस बहुत हो गया। बात पूरी नहीं हुई अभी। अबे यार, डरा क्यों रही है? अब पूरी रात बुरे सपने आएंगे। चुप करो और बात पूरी करो। चुप करूं क्या, बात पूरी करूं? ठीक, गलती मेरी है। बच्चों ने तो बहुत मेहनत की, अब मुझे ही कोई लाइक नहीं करता तो वो क्या कर सकते हैं? ये सब तुम इसलिए कह रहे हो ताकि मैं तुम्हें और परेशान ना करूं। 40 साल हो गए हमारी शादी को, तुम मेरे बारे में एक अच्छी चीज नहीं बोल सकते, एक। एक काम कर, मुझे कल सुबह तक का टाइम दे, मैं सोच के बताता हूं। कोई जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हो, मेरा बैग क्यों निकाल रहे हो? इस लीप अप होती के बगैर ही ब्यूटीफुल लगती है तू मुझे। बस बस क्या, यही बात तो पहले नहीं कह सकते थे? आदत थोड़ा बिगाड़नी है तेरी। अच्छा सुन, क्या क्लब वालों ने तो अवार्ड दे दिया, तू कब अवार्ड देगी मुझे? शर्म करो। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। कमॉन सुमन, तुम्हारी गलती नहीं है, इतना अच्छा वीडियो तो बनाया तुमने। पता नहीं क्यों वीडियो देख के लड्डू खाने का मन कर रहा है। पापा जी को कितना बुरा लग रहा होगा, मुझे ना उनसे माफी मांगनी चाहिए। हेलो पापा जी, आप ठीक हैं? अबे मैं तो ठीक हूँ, पर तेरे को क्या हो गया? नहीं नहीं, बस वो आज। अबे ये कोई टाइम है फोन करने का? नहीं नहीं, मैं रखता हूँ। हाँ तो रख।
कुछ ज्यादा ही जगह होते पापा जी। इतनी रात में मनु ने क्यों फोन किया था? पता नहीं, पागलों जैसे बात कर रहा था। आदमी आजकल अपनी धर्मपत्नी के साथ क्वालिटी टाइम बिता ही नहीं सकता। मनु हमारी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही दखल दे रहा है। कभी कभी मैं सोचती हूँ वो हमारे साथ ना रहता ना तो ये अच्छा था। Bum 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 b